हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, वे सभी को गुड मॉर्निंग। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर अभी सीआईबी का जो एग्जाम है, अभी शेड्यूल है जनवरी के लास्ट में एंड फेब 2022 में। बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी माइंड में एक डाउट है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, कब होगा, है ना। एंड अभी जो एलआरबी को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है, उसको लेकर भी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि अगर एलआरबी का नोटिफिकेशन आया है तो क्या इस तरह का नोटिफिकेशन सीआईबी के एग्जाम को लेकर भी आ सकता है। तो हमारे साथ में एक्सपर्ट सीआईबी के एक्सपर्ट्स मुरुगन सर कनेक्ट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बारे में मुरुगन सर से हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि आपके क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चन को मुरुगन सर के पास में लेकर चलते हैं और उनसे इनके आंसर जान लेते हैं। एंड उसके बाद में अगर आप ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर ले, एंड सो दैट सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, सो दैट वो क्वेश्चन, वो क्वेरी भी हम आपकी इस सेशन में कंसीडर कर सके, उसको भी हम यहाँ पर आंसर करें। ओके, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी यहाँ पर सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड उनको यहाँ पर काफी बेनिफिट मिलने वाला है इसका। ओके, मुरुगन सर गुड मॉर्निंग। सर, यहाँ पर अभी हाल ही में एलआरबी को लेकर, लीगल को लेकर नोटिफिकेशन इशू किया गया एंड एलआरबी का जो एग्जाम है जीआईबी में पोस्टपोन हो गया। तो इस कड़ी में अभी हम लोग देख रहे हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और हमारे जो लाइव सेशन चल रहे हैं यूट्यूब पर या पेड क्लासेस में, लगातार हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है सीआईबी के कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स की तरफ से कि क्या सीआईबी का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। सर, yeah, it's very much possible, and but we cannot go along that as a means it's a rule that if they postpone the JB, they will definitely postpone JB also. There may be IAB maybe waiting for some government guidelines, like so many states like from Karnataka and all, from tomorrow they remove all restrictions, like whatever they put, like closing off schools, public transports, 2 injections mandatory for all other things, they are slowly removing. They started opening the schools also from Monday in Canada, I hope. So these things all will be keeping into consideration, like IAPF will be waiting for some clear guidelines from government. Otherwise, as they postponed the JAB, first AFP and AFP, and now LRB, there is a sequence like they normally give the announcement only from around 5 to 6 days prior to the exam, maximum of 1 week. So let's wait. We may, in case if anything comes up, it may comes up by maximum by Tuesday, yeah, Wednesday, that postponement of CAB also. In case they are postponed, that will come up in Tuesday and Wednesday. Otherwise, they are having a plan of continuing. Yeah. Thank you, sir. इट मीन्स यहाँ पर जितने भी सीआईबी के एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईबी की, तो उन्हें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। हो सकता है यहाँ पर एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं रिस्ट्रिक्शन हटने लगी हैं एंड हो सकता है एबीएम पोस्टपोन हो जाए, बीएफएम या इलेक्टिव पेपर करा दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, या एबीएम बीएफएम पोस्टपोन हो जाए, इलेक्टिव पेपर करा दिया जाए। तो प्रिपरेशन तो आपको कंटिन्यू रखनी है, लगातार रखनी है, जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम यहाँ पर डेट अनाउंस होकर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तो प्रिपरेशन तो करते रहिए। प्रिपरेशन बीच में पॉज मत कीजिएगा, अगर आप बीच में प्रिपरेशन पॉज करते हैं तो इसका नुकसान ही होता है, फायदा तो कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ बड़ा फायदा तो होता नहीं है, है ना, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि फिर जितनी आपने प्रिपरेशन किए हैं पिछले 3-4 महीने में, 2 महीने में, वो क्या होता है, फिर आपको फिर दोबारा से पूरा रिवीजन करना होता है, एंड जब पूरा रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चंस की
प्रैक्टिस करेंगे, फिर पूरा कंप्लीट वो प्रोसेस। एंड जब डेट एकदम क्लोज होती है तो सर ऐसा भी होता है कि कई बार सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे मैं एबीएम की बात करूं बीएफएम की बात करूं, काफी बड़ा सिलेबस है, एंड उस केस में फिर इतना कम समय मिलता है, इतना यहाँ पर कम टाइम होता है कि रिविजन करने में भी फिर ऐसा लगता है कि हम इतने इतने कम समय में रिविजन कैसे करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। Yeah, actually, Praveen, even out of it's not a matter of only the bulky nature of the book. The questions which are coming, they are also very lengthy. They are very complicated, confusing type of questions. So after all those things, if you leave even study also in between, then that will be very difficult. You have to go through, understand the concept. Then during the exam, for that also, you will not have good time. In case if you pass in between. So we always are till the date, like you told, till the date the exams are not postponed. I even tell till the date you are not passed the exam, don't leave the preparation. Just continue with your whatever time available, you just continue with your preparation. Make sure that you are clearing both this JAB and CAB. Then you can take a little pause, a little break. Then you can choose some certificate course or something like that. You can go along. But till you complete JAB, CAB as a banker, you cannot take rest. Okay, thank you, sir. Yahan par, सर अगर हम लोग बात करते हैं अभी कितना इम्पोर्टेंट है कि 2022 में एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2022 से प्रपोज रहे हैं एंड 2023 की बात करें तो नया सिलेबस सीआईबी में आ ही जाएगा, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सर कि अब की बार किसी भी तरीके से एनी हाउ कि 2022 में एग्जाम क्लियर करना ही करना है। It is an entire, means they are bringing a separate new papers, like JAB is going to get 4, CAB is going to get 5 papers. If you are not able to clear 3 papers in CAB, it will be very difficult to clear 5 papers. Along with that, you don't have the retail banking in elective at all. So totally all 4 or 5, whatever you are getting, that will be totally tough. So it's always better to complete by as of now this old syllabus till the time it exists. If it is November 2022 or May 2023, you complete at the earliest with the old syllabus only. If you get into new syllabus, they may bring some other rules restrictions also. We are not sure now what they are in the plan. So if they bring some other restrictions, some other guidelines or some pattern of new pattern of questions, everything will be problematic. Even till now, we don't have the syllabus now for the new papers, new syllabus. So that will be again, now at least you are having your syllabus in line. You have already started your preparation. Somewhat you are up to date. So it will be easy. But if you go into totally new chapters, new papers, it will be very difficult. So our advice is always try to clear at least by this May 2022. थैंक यू सर। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे साथ में जरूर शेयर करें। एंड अभिलाष जी, क्या इज इट पोस्टपोन सीआईबी का एग्जाम? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि कई स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन हटने लगी हैं, तो हो सकता है एग्जाम टाइम से आपका हो जाए, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहे। एंड सेम आध्या जी का भी क्वेश्चन सेम था, ठीक है, तो आपकी भी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ में कमेंट करके जरूर बताएं, हमें कमेंट करके जरूर हमारे साथ में शेयर करें। सर अभी अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए सर, अभी अगर हम एबीएम की बात करते हैं, एबीएम का पेपर तो अभी लगभग एक सप्ताह का समय है, 1 वीक का टाइम है, तो सर अब जब आफ्टर 1 वीक एग्जाम होने वाला है, तो इस केस में इस टाइम पर किन पॉइंट के ऊपर फोकस करें, किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें? Now they can do maximum of revision only, Pravina. They should have completed all those things till now because you have just exactly 6 days. So you should have completed your book. Then if you are already done that,
you are left with a lot of 6 days, huge amount of time. You can go through your short notes, you can go through your sample questions, you can go through a lot of video lectures, live classes are going on with revision, like you have some that marathon for each papers also. These all things they can concentrate if they are already completed the book. If they are not completed the entire syllabus, at least they allot for 2-3 days for those things. Cover the book, cover the syllabus, concept, understand the concept, then allot the last 3-4 days purely for revision, because that is very much important. Going through the book for 1 or 2 months and without revision, it will be very tough. So if you are done already, then go for revision. If you're not completed the syllabus, just cover everything. Allot 2-3 days at least from Thursday, Friday, Saturday, completely for revision and cover everything. Practice more number of mock tests, case studies, recollect questions, everything, complete everything, and go through examination with full of confidence. That is our advice. ओके सर, सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि लास्ट मिनट टिप, टिप्स फॉर बीएफएम, कि बीएफएम के लिए कोई लास्ट मिनट टिप्स? वी विल डेफिनेटली पोस्ट मे बी ऑन थर्सडे, आफ्टर थर्सडे. सर यहाँ पर इरशाद जी का क्वेश्चन आ रहा है कि कब तक हो सकता है सीआईबी का एग्जाम? दैट अनप्रेडिक्टेबल ना, एज वी टोल्ड यू डोंट predict anything and go, please, please go through the books, please keep your preparation on. In case they announce anything, then you can take 2-3 days rest. Till the time, don't predict anything and go. Sir, Shyam ji ka ek question aaya hai ki ABM mein passage type questions aate hain, bade bade passage type questions aate hain, how to handle? What they are asking? सर कि एबीएम जो सब्जेक्ट है अपना कंपलसरी पेपर, उसमें जो पैसेज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए? नॉट ओनली एबीएम, नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन पीपीपीएल आल्सो. दैट इज मींस द क्वेश्चंस आर गेटिंग वेरी लेंथी. दिस वी आर टेलिंग फॉर लास्ट 3-4 सेशंस, वी आर टोटली टेलिंग द सेम थिंग, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम एज यू यूज्ड टू गेट अर्लियर. People are not able to complete even that 120 questions nowadays. These all things are happening. So that's the reason only we are telling you attend large number of mock tests so that you can analyze yourself, where you are lacking, how you can improve yourself. These all things will come up so that you can attend the questions very easily in the examination. सोनल जी, एडमिट कार्ड वो तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइम पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं, एंड अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो आप इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाएं iibf.org.in और वहां पर मेंबर्स में जाकर लॉगिन करें. लॉगिन आपके पास जो आईडी और आपका पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करें. अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपने अपना जो ईमेल आईडी मेंशन किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसको चेक करें, वहां पर आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा, उसकी उसकी हेल्प से आप लॉगिन करें. लॉगिन करके जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर, तो वहीं पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, एंड आपको वहां पर जो अभी डेट्स हैं एग्जाम की वो जो कि तो यहां पर मिल जाएंगी. एंड सर अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि चाहे हम मई और जून 2022 में जो एग्जाम होगा या नवंबर दिसंबर 2022 में कोई एग्जाम होगा, 2022 के लिए अभी तक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब एग्जाम होगा. तो इस कड़ी में जो अभी जिनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, चलो उनकी तो डेट आ जाएगी, फ्यूचर में जो मई जून का एग्जाम देने जा रहे हैं, नवंबर दिसंबर का एग्जाम देने जा रहे हैं, सर उन सभी को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कौन से पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए? That they are posting the means possible dates only. Like in case of like events like this pandemic and all, they can't keep all those dates on intact. As it did happen last time also, the exams once got totally suspended, then the exam got postponed from May, June, so it happened in August, September. So these all things may differ, depends on the situation only. Because this COVID situation with a lot of government restrictions, they cannot keep the examinations on. So you just don't think about all those dates mainly.
You just prepare, you just think on your mind that I have to complete this exam in one go, next at wherever the exams are held. In that area only they have to prepare and they have to clear in the first attempt system. That's our, normally we used to tell the same thing to everyone. Okay, sir. स्नेहा जी का एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है कि एग्जाम पोस्टपोन होने की बात हो रही थी, तैयारी नहीं हो पाई। हम वही बोल रहे थे कि बीच में प्रिपरेशन बिल्कुल भी पॉज नहीं करनी है, प्रिपरेशन तो आप करते रहें। अभी जो अगर एग्जाम होता है, क्या उसमें अपियर होना चाहिए या नहीं, क्या सजेस्ट करें? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, नेवर मिस एनी एग्जाम। इफ द एग्जाम्स आर हेल्ड, आई रिपीटेडली टेल एवरीबॉडी, अंटिल अनलेस यू हैव अ वेरी सीरियस इशू, इफ द एग्जाम्स आर हेल्ड, don't miss a chance. I can quote a lot of live examples where a person had completed two papers and the third paper he could not attempt the exam, and for the next 7 to 8 years he could not complete that exam. That will become very seriously, this one economically, then promotion activities, that all you will be losing your chances. So if the examinations are held and you are very healthy and fine, don't ever miss the exam. तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स, जो जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जो सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने का चांस मिलता है तो मिस बिल्कुल ना करें, तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। जितना समय आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में, है ना, डे टाइम में जब भी मिलता है, नॉन वर्किंग सैटरडे संडे में जितना भी समय आपको मिलता है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना इसको रखें, तैयारी करते जाएं। एंड हमारी तरफ से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टडी मटेरियल को लेकर, लाइव क्लासेस को लेकर, वीडियो कोर्स को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर, ई बुक्स को लेकर, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ABM, BFM या इलेक्टिव पेपर में रिटेल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कोई चांस है पोस्टपोन होने के? एक सीआईबी के एस्पिरेंट बैंकर है हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, उनका भी ये सेम क्वेश्चन। अब सर हम वही स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही बना हुआ है, सबसे बड़ा डाउट यही बना हुआ है कि सीआईबी एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस हैं क्या? चांसेस आर देयर ऑलवेज, लाइक दैट्स व्हाट आई टोल्ड, जस्ट वेट अप टू मैक्सिमम ट्यूसडे व्हेन दे विल डेफिनेटली अनाउंस इन केस समथिंग इज देयर, अदरवाइज you don't stop your preparation till the time they announce that the exams are postponed. बिल्कुल, यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसके बारे में मैं तो कहूंगा ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, है ना। मेन तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने आप को ट्रैक करें कि क्या मेरी अगर अभी एग्जाम हो जाता है या बाद में एग्जाम हो जाता है, क्या मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्या मैं उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाया हूं या मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की है या नहीं। तो ये अपनी परफॉर्मेंस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं कि मैं कितना परफॉर्म कर रहा हूं, 100 मार्क्स में से कितना स्कोर कर रहा हूं, क्या 50 प्लस मेरा स्कोर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इन सब चीजों को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ABM के लिए जो टिप्स हैं, ABM के लिए सर ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ABM को लेकर आप कैसे प्रिपरेशन करें, किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें, है ना, और किस तरीके से इन सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर तैयारी करें, सर ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। आप एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को, है ना, आप अगेन देखिएगा तो अगेन आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, अगर आप सीआईबी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर अभी हम लोग बात करते हैं, आप में से जो अभी एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं होता है, उस केस में, दोनों ही केस की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे पोस्टपोन होता है या नहीं होता है, दोनों ही केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केस स्टडीज का एक बिल्कुल नया बैच आप सभी के लिए आ रहा है, तो केस स्टडीज के बैच में आप एनरोलमेंट करके एंड जो केस स्टडीज है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ABM, BFM एंड रिटेल बैंकिंग में। तो आपको क्या करना है, आप adda247.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से adda247 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ये करने के बाद में आपको GIB CIB के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप GIB CIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे CAIIB 2022, है ना, ये टैब आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
और जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आप यहां पर देखेंगे फिफ्थ नंबर पे आपको दिखेगा सीआईबी 150 के स्टडीज, है ना, 150 के स्टडीज का ये बैच अवेलेबल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर ये सीआईबी 150 के स्टडीज है, अभी जो एग्जाम यहां पर अभी पोस्टपोन्ड हो सकता है या टाइम से होगा उसके लिए ये फोकस रहेगी प्रिपरेशन यहाँ पर पूरी की पूरी। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 50 के स्टडीज आपको बीएफएम की मिलेंगी, 50 के स्टडीज आपको एबीएम की मिलने वाली है, और 50 के स्टडीज आपको रिटेल बैंकिंग की मिलेंगी। इलेक्टिव पेपर में रिटेल बैंकिंग की स्टडीज की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तीनों पेपर की मिलाकर टोटल 150 हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो प्राइस है वो 699 है। प्राइस के नीचे व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में टाइप करें कूपन कोड Y195, है ना। आपको क्या करना है यार, जो कूपन कोड Y195 है उसको आपको टाइप करना है, Y195 टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो कूपन कोड है वो देखिए अप्लाई कूपन कोड आ रहा है। जैसे ये कूपन कोड अप्लाई होता है तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट शो होने लगेगा। आप भी अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में इस कूपन कोड Y195 को टाइप करके अप्लाई के ऊपर क्लिक करके देखें कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहां पर कूपन कोड Y195 जैसे अप्लाई होता है तो 5389 रुपीस का डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। एंड अगर मैं सीआईबी के 150 के स्टडीज के बैच की बात करूं 1609 रुपीस में ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। 77% का डिस्काउंट है ये, है ना। यहां पर Y195 कूपन कोड अप्लाइड का मैसेज आ जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सब कुछ आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। ये जो केस स्टडीज की क्लासेस हैं ये लाइव क्लासेस होंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी। एक एक क्वेश्चन को आपके साथ में लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ही लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपके अकाउंट में अपलोड हो जाता है। यानी अगर आप बाद में रिविजन करना चाहें या किसी कारण से लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी आपके अड्डा 24/7 अकाउंट्स में अवेलेबल रहेगी। अगर आप जैसे कई बार ऐसा होता है एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्लास में जो जितना भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो पीडीएफ की फॉर्म में आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में आ जाता है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीएफएम की जो क्लासेस है, इसमें यहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। बीएफएम स्टडी प्लान है, हियर के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बीएफएम का स्टडी प्लान मिल जाएगा आपको। क्लासेस का टाइम रहेगा 9 PM to 10:30 PM। उसके बाद में रिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिटेल की जो क्लासेस है उसका टाइम रहेगा यहाँ पर 9 PM to 10:30 PM। और अगर हम एबीएम की क्लासेस की बात करते हैं तो एबीएम की क्लासेस यहाँ पर होगी 6 AM to 7:30 AM, है ना। इसके लिए जो टाइम है वो 6 AM to 7:30 AM हो जाएगा मॉर्निंग में। ओके, तो ये क्लासेस आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रोवाइड की जाएगी। दोनों मॉर्निंग का जो टाइम आपके पास है, इवनिंग का जो टाइम आपके पास है, तो वो दोनों ही टाइम आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए चलेगी। सर अगर एक क्वेश्चन है कि केस स्टडीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है अगर हम सीआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, बैंकर हैं, वो सोचते हैं कि हम पूरा का पूरा थ्योरिकल पार्ट कवर कर लें क्योंकि केस स्टडीज की प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है क्योंकि कैलकुलेशन का काफी होता है वहां पर। एंड जिनका पहले से कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं कैलकुलेशन लेवल पर या एनालिटिकल लेवल पर। तो इन दैट केस, इस केस में क्या केस स्टडी अगर छोड़ देते हैं, ओनली थ्योरिकल पार्ट कवर करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इस केस में क्या हो सकता है सर? There are two things, Praveen. Case studies are not only numerical.
like you are taking class for the PPP and LRP. So many case studies are coming in PPP and LRP. That's totally, they want to judge that how much you could be able to analyze the question. That's all. Numerical part is totally different part. Of course, case studies comes along with numerical in ABM, BFM, retail, and AFP. But case studies without even numerical, like ABM, HR, and all, so many case studies are now coming. So first thing is you just try to understand the entire concept well. That is very much important. After that, the way, whichever way they take the questions, whichever way they bring the case studies, you can be able to answer these questions very easily. And in case you have some case studies available with you, practice number, N number of practice, because that will make you to bring the confidence back that I am able to solve all those case studies. So never think that without case studies you can get score or good marks in mainly CAB. It's very much difficult. Not at all possible. I rather tell without case studies, passing CAB will be a Herculean task. That's not advisable. Nowadays, अगर हम लोग बात करते हैं case studies, तो आपको practice करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप exam clear करना चाहते हैं first attempt, single attempt में, तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी हो गई है यहाँ पर. सर एक क्वेश्चन आया है, हमारे साथ में बैंकर कनेक्टेड हैं, वो बोल रहे हैं बीएफएम में ज्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस करें या न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस किया जाए. बोथ, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, डोंट थिंक अबाउट थ्योरी न्यूमेरिकल, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, दैट्स ऑल. यू कैन वेरी इजीली दैट स्मॉल थ्योरी क्वेश्चंस लाइक 0.5 मार्क एंड ऑल, you can easily answer small like 0.5 one mark questions maximum, you can easily answer if you are thorough with the book. Only for this case studies they have some 5-6 marks, they have 2 mark questions, these all the things will only be problematic. That you have to understand the what they are given in the question, and then accordingly you need to answer. So you understand the concept, you clear everything in your mind, it will be very easy for both. बिल्कुल सर. एंड यहाँ पर आपका जो एग्जाम है सीआईबी के एग्जाम को पोस्टपोन होने को लेकर जो क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया है, स्टार्टिंग में काफी चीजें आपको बताई हैं इसके बारे में. तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, स्टार्टिंग से आप देखेंगे, जैसे ही ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाएगी, स्टार्टिंग से देखिएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सीआईबी के एग्जाम को पोस्टपोन होने को लेकर क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, है ना. उसको आप एक बार देख लें, ठीक है. एंड जितने भी एस्पिरेंट कैंडिडेट हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, भाई अगर आप ऑफिसर्स अड्डा 24/7 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर लें, सो दैट सभी वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच सके. एंड सभी जितने भी वीडियोज आ रही है, जितने भी यहाँ पर सीआईबी को लेकर प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है, इसकी आप लगातार प्रिपरेशन करते जाएं, लगातार तैयारी करते जाएं, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो यहाँ पर, है ना, लगातार. और अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं तो हमारे साथ में जरूर शेयर करें, है ना. कोई डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हैं तो हमारे साथ में जरूर शेयर करें. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ में आप शेयर करते हुए चले. सर यहाँ पर चलते चलते कोई वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स सभी कैंडिडेट्स के लिए कि किन चीजों के ऊपर फोकस करें. अभी माइंड में काफी ऐसा हो गया है, पजल हो गया है कि प्रिपरेशन को पॉज कर दूं, एग्जाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो सर बहुत अच्छे से पता है कि बैंकर की जो लाइफ है बहुत बिजी रहती है ना, फैमिली को समय देना, ऑफिस को समय देना, टाइम देना, इन सब चीजों को मैनेज करते हुए प्रिपरेशन भी करना एक चैलेंजिंग रहता है. तो इन दैट केस इस टाइम पर सर कुछ क्या मैसेज देंगे सर, क्या टिप्स देंगे सभी को? Please go through our previous session. So many times we told that key preparation strategies. We used to tell that go through the books, prepare a number of times, taking notes, going through the mock test, preparing the case studies, never too late for the exams. All those things. We will post a separate video on that preparation strategy for CABG. So they can practice all those things so that they can clear. All those things apart, as you told Praveen, this is very much important to spend sufficient time with family. Never miss that. Stay safe, take all precautions, spend sufficient time with family. Maintain the clear work-life balance. That is very
because this busy life, people tends to miss all those things. Unable to spend time with family will lead to very tragedy in some point of time. So you don't, of course, the business means your banking life is important. You have to get promotion. You have to pass JVC. All those things are there. But still, spend sufficient time with family. That's very much required. All the very best, please. थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए. एंड सीआईबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, आपको इस सेशन से काफी बेनिफिट मिला होगा, काफी फायदा मिला होगा. एंड अगर आप यहां पर सीआईबी में एबीएम बीएफएम एंड रिटेल बैंकिंग की केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, चैट में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके एनरोलमेंट कर लें और इन 150 केस स्टडीज की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, सो दैट सीआईबी के एग्जाम में एबीएम बीएफएम एंड रिटेल बैंकिंग में आपको बेनिफिट मिले इन केस स्टडीज से, सो दैट एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए. तो हम मिलेंगे यहां पर एक नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आपके साथ में. अगर आप ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें एंड यहां पर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें. जितने भी सीआईबी के जो एस्पिरेंट्स हैं, सीआईबी के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में जरूर शेयर करें, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनके दिमाग में भी अभी जो पजल्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस घूम रहे हैं एग्जाम को लेकर, उन्हें भी ये उनकी जो सारी की सारी क्वेरीज हैं वो यहां पर सॉल्व हो जाएगी. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट.